त्रस्त करते हैं। वो परमात्मा सतलोक में रहते हैं, वहाँ से चलकर यहाँ आते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान सुनाते हैं। उन पवित्र आत्माओं में से जिनको परमात्मा मिले, जैसा पवित्र वेद बता रहे हैं, वो इस दास को लगभग आधा दर्जन याद हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय महर्षि रामानंद साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादूदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय घीसादास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आज जो ये सत्संग चल रहा है, ये आदरणीय गरीबदास साहिब जी को वो परमात्मा गांव छुड़ाणी जिला जज्जर हरियाणा प्रांत भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर सतलोक से चलकर आकर उनको मिले थे। फाल्गुन सुदी द्वादशी, फागुन उतरते की द्वास, यहाँ के हरियाणा की देसी भाषा में फाल्गुन सुदी द्वादशी, ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा आए और अपनी उस प्यारी आत्मा, उस श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ पुरुष गरीबदास जी दृढ़ भक्त को मिले और उनकी आत्मा को सतलोक लेकर गए। वहाँ सारी सतीथी से परिचित करवाया, सभी भगवानों की सतीथी उनको से परिचित कराया, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, धर्मराज का लोक दिखाया, स्वर्ग और नरक के दर्शन कराए। सभी लोकों में से परमात्मा गरीबदास जी को घुमाते हुए सचखंड लेकर गए, सतलोक लेकर गए। उस पवित्र आत्मा गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर की महिमा आंखों देखा, वृतांत अमृतवाणी में लिखवाया और उसी दिन से उन्होंने उस ज्ञान को बोलना शुरू कर दिया। आज थोड़ा सा विवरण सबसे पहले गरीबदास साहिब जी का आपको देंगे। पुण्यात्माओं, आज तक हमें भगवान की डेफिनेशन भी याद नहीं थी, परमात्मा की परिभाषा से भी हम परिचित नहीं थे। परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपनी प्यारी आत्माओं को अपने विषय में जानकारी दी, फिर उन महान आत्माओं ने, श्रेष्ठ आत्माओं ने, वर्णीय आत्माओं ने फिर परमात्मा को आँखों देखकर उनका साक्षात्कार करके और फिर अमृत वचन, अपनी वाणी रूपी एफिडेविट उन्होंने मानव समाज के लिए प्रस्तुत किए। गरीबदास साहिब जी कहते हैं, हमने देखा सो सच है और सकल प्रपंच, हमने जो देखा वो सत्य है, बाकी जो आपको ज्ञान है वो बिल्कुल व्यर्थ है। गरीबदास साहिब जी के विषय में जानकारी देते हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म जो है किसान परिवार में हुआ, एक जाट परिवार में। इनका धनखड़ गोत्र है। गरीबदास साहिब जी का मूल गांव करौथा है, जहां इस दास का आश्रम है, करौथा जिला रोहतक। गरीबदास साहिब जी के पूज्य पिताजी का नाम श्री बलराम जी और पूज्य माता जी का नाम रानी देवी था। रानी छुड़ानी गांव की लड़की थी। रानी के कोई भाई नहीं था, वो श्री शिवलाल सिहाग की पुत्री थी और शिवलाल जी के बहुत ज़्यादा जमीन थी, वर्तमान के लगभग
13-14 acres जमीन थी और पुराने 2,500 बीघा जमीन थी, इतनी उनकी प्रॉपर्टी थी, जमीन थी, किसान परिवार था। शिवदयाल जी के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने अपने दामाद बलराम जी को अपने घर पर वारिस रूप में रख लिया, जैसे यहाँ देसी भाषा में घर जमाई कहते हैं, और सभी प्रॉपर्टी को उनको थमा दिया, अर्थात अपनी पुत्री को सारी जमीन दे दी। बलराम जी वहाँ किसान का काम करने लगे और स्थाई रूप में वो फिर छुड़ानी रहने लगे। वहाँ 12 वर्ष रहते हुए हो गए थे उनको, उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब उस पवित्र आत्मा का जन्म हुआ। सन 1717 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी का वहाँ जन्म हुआ। और 10 वर्ष के जब गरीबदास जी हो चुके थे बालक, किसान के कार्य को करते हुए जैसे बच्चों को पहले अपने ही गायों के को चराने के लिए, उनको चारा चराने के लिए जंगल में चारा चराने के लिए भेजा जाता था, पाली बोलते थे उनको, जैसे ग्वाले कहते हैं, जैसे श्री कृष्ण जी और भी ऐसे ही गायें गणी रखा करते थे, श्री कृष्ण जी भी ग्वाले थे, ऐसे ही गरीबदास साहिब जी भी अपनी, उनके नाना जी यानी उनके पिताजी लगभग 150 गायें रखा करते थे, क्योंकि जमीन ज़्यादा थी और वहाँ पर चारे की कोई तो कमी थी नहीं, इस प्रकार इतनी गायें रखते थे, वही उनका पशुधन होता था, उनको बेच देते थे, घी आदि बनाते थे, ऐसे उनको गायों के बछड़ों को बेच देते थे, ऐसा अपना हर तरह से व्यवसाय किया भी किया करते थे। गरीबदास जी के साथ अन्य भी सहयोगी और किराए के पाली भी उनके साथ जाते थे, और कुछ एक ऐसे होते थे जो गांव के अपने किसान भी, जिनके थोड़ी जमीन होती थी, वो भी अपने गायों को उस बड़े जमींदार के साथ सहयोग से उन्हीं के खेतों में घास चराने के लिए उनसे मित्रता रखते थे और इकट्ठी ही गायें चराया करते थे। ऐसे लगभग 8-10 गोपाल गौओं के पाली, इंक्लूडिंग गरीबदास जी, खेतों में, गांव कबलाणा की एक सीमा लगती है, गांव छुड़ानी के गांव कबलाणा की सीमा लगती है, उस कबलाणा की सीमा की तरफ एक कच्चा रास्ता जाता था, अब वहां पक्की सड़क बन गई है। इस दास ने भी उस स्थान को कई बार देखा है, क्योंकि ये दास पहले अपने गुरुदेव जी के दर्शनार्थ छुड़ानी जाया करते थे। हमारा गुरुदेव जो है छुड़ानी जाते थे केवल समागम के दौरान, और वहाँ भोली आत्माओं को ज्ञान सुनाया करते थे, यथार्थ ज्ञान बताते थे। तो वहाँ वो स्थान जहाँ परमात्मा आए थे, सतलोक से चलकर आए थे, एक जिंदा महात्मा का रूप बना रखा था, जहाँ वो प्रकट हुए थे, वहाँ आज भी एक यादगार बना रखी है, पूरा गांव इसका साक्षी है कि ये घटना ऐसी यहाँ घटी थी, जिसको ये दास अब आपको बताने जा रहा है। ये फाल्गुन सुदी द्वादशी अर्थात फागुन उत्तरते की द्वास दिन के लगभग 10-11 बजे, आजकल क्या होता है कि दिन में गर्मी सी बन जाती है, और खेतों में काम करने वाले पाली और हाली किसान
दस ग्यारह बजे वृक्ष का सहारा लेकर उसके नीचे बैठ जाते हैं। ऐसे ही वो सभी ग्वाले जो गरीबदास साहिब जी के साथ बड़े बड़े थे, कोई 50 वर्ष का, कोई 40 वर्ष का, कोई 20-25 वर्ष के, कोई 18 वर्ष के, गरीबदास जी सबसे छोटे थे 10 वर्ष के, तो अपनी गवों को वहाँ चरा रहे थे। लगभग 150 गायें वहाँ चर रही थी, चारा चर घास चर रही थी, और सभी ग्वाले 10-11 बजे सी, 10-1 बजे सी, क्यों खेतों में जाती भूख वो जोर की लग गया करे, वो 10-11 बजे अपना खाना खान लाइए। वो खाना खा रहे थे, परमात्मा सतलोक से चल कर आए एक संत की वेशभूषा बना के, एक संत का स्वांग बना के, और वहाँ आकर के उन बच्चों को प्रणाम किया, पालियों को प्रणाम किया। उन्होंने देखा कि ये इधर से शायद कबलाना से कोई व्यक्ति आया है, उसकी वेशभूषा से लगा कि कोई बाबा जी है। तो सभी पालियों ने, जो बड़े बड़े पाली थे, उन्होंने कहा कि आओ बाबा जी भोजन करो। परमात्मा ने कहा भी भोजन तो मैं अभी करके आया हूँ अपने गांव से। आपका गांव कहाँ है? परमात्मा ने कहा सतलोक। वो कहाँ हुआ, कितनी दूर है यहाँ से? पालियों ने पूछा, परमेश्वर ने कहा वो 16 शंख कोस की दूरी पर है। पहले इतना कम्युनिकेशन था को नहीं, दूर के गांव से कोई परिचित था नहीं। उन्होंने सुना 16 कोस दूर यानी 48 किलोमीटर दूरी पर कोई गांव होगा। अच्छा बाबा जी खाना नहीं खाते हो तो दूध तो पीना ही पड़ेगा, हम अपने अतिथि को बगैर कुछ खिलाए विदा नहीं कर सकते। ऐसे प्यार में श्रद्धा से उन सभी ने कहा। परमात्मा ने कहा भी यदि तुम कुछ खिलाना पिलाना चाहते हो, यदि मुझे दूध पिलाना चाहते हो, तो मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ, कुंवारी गाय का दूध पिला दो। पुण्यात्मा वो सभी कहने लगे, वो जितने भी वहाँ उपस्थित बड़े बड़े पाली थे, चरवाहा थे, कहने लगे बाबा जी तेरी नीत दूध पीने की नहीं है, आप तो मजाक कर रहे हो, कुंवारी गाय को भी दूध देती है। परमेश्वर ने कहा भी देख लो, अगर दूध पिलाना चाहते हो तो कुंवारी गाय का पीऊंगा। गरीबदास जी खड़े हुए 10 वर्ष के बालक, और उनकी एक प्रिय बछिया थी कुंवारी गाय, दूध पीना छोड़ रखा था, लगभग 1 वर्ष की हो चुकी थी, 1.25 वर्ष की, और उससे उसको पकड़ लाए और कहा देखो महाराज जी इसको बच्चे तह नहीं, ये दूध कैसे देगी, छोटे छोटे स्वतन हैं, जैसे बालक क्रिया बोलते हैं ऐसे। परमात्मा ने कहा कि तुम्हारे पास कोई पात्र है, उनके पास एक गांव से लस्सी ले जाते थे बच्चे, और एक पानी का पात्र भी होता था, तो जो लस्सी वाला पात्र था वो उन्होंने साफ कर दिया कि लो जी अभी इसको दो दे, बहुत अच्छी तरह साफ कर दिया उसको, और कहा जी ये पात्र रहा, एक छोटा सा मटका घड़ा, मिट्टी का जग जो लगभग 5-6 किलो उसमें पदार्थ आ जावे, जल आ जावे। परमेश्वर ने कहा कि इस गाय के सतनों के नीचे, इसकी ओड़ी के नीचे रखो, लेवटी के नीचे, जैसे दूध निकालते हैं। गरीबदास साहिब जी ने ऐसे पकड़ दिया, उसके नीचे कर लिया। अब देखियो जी दूध तो ना आया, अब आएगा बेटा। कबीर परमेश्वर जी ने उस गाय की कमर पर थपकी मारी, एक उसी समय सतन लंबे लंबे हो गए, और चारों सतनों से दूध की धार निकलने लगी, और जब वो पात्र भर गया अपने आप दूध की धार बंद हो गई। अब गरीबदास जी ने वो पात्र जो था 5-7 किलो का, वो ला करके परमात्मा को थमा दिया कि ले बाबा जी